हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका और आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रसामक्स में। अगर आप आज मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता दूं, मेरे चैनल ज़्यादातर DIYs होते हैं। कभी कभी मेरे चैनल पे आप होम डेकोर, होम मेकओवर और ब्लॉगिंग और कुकिंग भी देख सकते हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी अपने नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं, जो कि मैं हर मंडे और थर्सडे को करती हूं, तो आपको उसके नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप मेरे रिटर्निंग सब्सक्राइबर हैं तो वेलकम बैक एंड थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो चलिए बिना डिले स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखते हैं इस वीडियो में मैं कौन सा DIYs लेके आई हूँ आपके साथ। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक वेस्ट कार्डबोर्ड, जो कि मेरे पास काफ़ी टाइम से वेस्ट पड़ा था और मैंने इसीलिए संभाल कर रखा था कि मैं इसे क्लैंप में कन्वर्ट करूँगी। तो आज वो दिन आ गया है, फाइनली मुझे मौका मिल गया है और मेरे माइंड में क्लियर भी हो गया है कि मुझे क्या करना है। तो आप किसी भी तरह का कार्डबोर्ड यहाँ पे ले सकते हैं, जो भी शेप आपको अवेलेबल हो, साइज़ अवेलेबल हो। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से मैंने 1.5 इंच का एक बॉर्डर क्रिएट कर लिया है अपने पूरे कार्डबोर्ड पर इस तरह से। तो मैंने बिल्कुल फोर साइड, देखिए अप साइड, डाउन साइड, दोनों साइड मैंने इस तरह से चारों साइड एक बॉर्डर क्रिएट कर लिया है। और अब मैंने इसे 3 साइड किया है कार्डबोर्ड के, 3 साइड में मैंने किया है। देखिए एक साइड किया है, इस साइड नहीं किया है और देखिए यहाँ पे नहीं किया है। तो ये मेरा बैक होगा जिसे मैं यहाँ पे रखने वाली हूँ, इसे नहीं कट करूँगी। बाकी के 3 साइड मैं इसे कट करके निकाल लूँगी। तो यहाँ पे मैं क्राफ्ट नाइफ की हेल्प से इसे कट कर रही हूँ। क्राफ्ट नाइफ आपको किसी भी क्राफ्ट शॉप पे या स्टेशनरी शॉप पे इजीली अवेलेबल हो जाते हैं और इनसे कार्डबोर्ड वगैरह बहुत ही इजीली कट भी हो जाता है, हमें कुछ स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है मिडिल से। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से 3 साइड कट किए हैं, मैंने बैक साइड नहीं कट किया है ताकि थोड़ा सा ये स्ट्रॉन्ग रहे जो हमारा लैम्प है। अगर मैं 4 साइड कट कर दूँगी तो लैम्प थोड़ा सा वीक पड़ सकता है, तो इसलिए इसका बैक साइड हम नहीं कट करेंगे। तो बैक साइड जब आप कट करते हो ध्यान रखिए, देखिए ओपनिंग जो होती है बॉक्स की, वो मैंने बैक साइड पे रखा है, तो ये बाद में हमें काम आएगा, आगे आप देखेंगे कैसे। तो यहाँ पे मैंने ग्लू में थोड़ा वाटर मिक्स कर लिया है, थोड़े से लिए हैं टिशू पेपर, उन्हें फाड़ कर कट करके यहाँ पर देखिए ग्लू की हेल्प से मैं सारे बॉक्स को कवर कर लूँगी इस टिशू पेपर से। इससे ये होगा कि हमारा बॉक्स थोड़ा और स्टडी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और साथ ही साथ हमें पेंट करने के लिए एक अच्छा सा सरफेस भी अवेलेबल हो जाएगा, स्मूथ सरफेस, और हमारे बॉक्स का टेक्सचर काफ़ी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने पूरे बॉक्स को कवर कर लिया है। अब हम इसे होने देंगे ड्राई। तो जब तक ये ड्राई होता है तब तक मैं आगे प्रोसेस करती हूँ। नेक्स्ट आइटम जो है वो है OHP शीट। ये A4 साइज़ की OHP शीट हैं जिन्हें मैंने अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कट कर लिया है और मैं इसे एज अ ग्लास यूज़ करूँगी। आपको एक बहुत ही अच्छा ग्लास इफेक्ट देगा आपके लैम्प के ऊपर। तो मैंने अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग कट कर लिया है। आपको क्राफ्ट शॉप पे या स्टेशनरी शॉप पे इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, या आपके पास कोई ट्रांसपेरेंट शीट है तो आप उसे भी यहाँ पे यूज़ कर सकती हैं। तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वाटर बेस ग्लास कलर। तो ये बिल्कुल रेडी टू यूज़ ग्लास कलर्स हैं जो मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ। इसके साथ हमें मिलता है ये इस तरह से एक लाइनर, इसी पैक में हमें अवेलेबल होता है 6 डिफरेंट सेट्स के साथ। तो यहाँ पे मैंने एक OHP शीट लिया है और फिर मुझे रैंडम जो भी डिज़ाइन मेरे माइंड में आया मैंने यहाँ पे उस लाइनर की हेल्प से ड्रॉ कर दिया है। तो आप चाहें तो कोई डिज़ाइन प्रिंट आउट निकाल कर उसे ड्रेस भी कर सकती हैं, या फिर आपके पास कोई ड्राइंग या डिज़ाइन है जो आपको अच्छी लगती हैं तो आप उसे भी इस पर रख के ड्रेस कर सकती हैं। तो मैंने इस तरह से लाइनर की हेल्प से एक रैंडम डिज़ाइन बनाया जो भी मेरे माइंड में आया। तो इस तरह से मैंने सारे OHP शीट्स पे ये डिज़ाइन बना लिए हैं। तो देखिए किस तरह से बहुत ही स्मूथली ये काम कर रहा है। मैं बीच बीच में इसे क्लीन भी करते रहना है अपने ट्यूब को, और फिर देखिए इस तरह से अपना डिज़ाइन बना लेना है। La 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 la
तरह से देखिए हमने अपने पैटर्न्स बना लिए हैं। जो भी मेरे माइंड में आया मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। और ये देखिए वाटर कलर है जिसे मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। कलर करने के लिए भी कोई थ्योरी नहीं है, बस रैंडम कलर जहाँ मेरे मन में आया जो सा कलर मैं वहाँ पे उसे अप्लाई करती गई हूँ। तो इसी तरह से रैंडम कलर्स हम पिक करेंगे और जहाँ मन आएगा वहाँ पर अपने डिज़ाइन और पैटर्न पर फिल करते जाएंगे। तो इसी तरह से मैंने इसे कम्प्लीट कर लिया। ये देखिए हमारा शीट इस तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो हम इसे ड्राई होने देंगे। ड्राई होने के लिए हमें 7 to 8 hours लगेंगे। अच्छी तरह से हम इसे ड्राई होने देंगे और कलर फिल करने के पहले हम आउटलाइंस को भी अच्छी तरह से ड्राई होने देंगे, उसके बाद ही कलर फिल्स करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा बॉक्स जो है वो भी अच्छी तरह से ड्राई हो गया है। तो अब हम इसे करेंगे पेंट। तो यहाँ पेंट करी हूँ मैं ब्लैक एक्रेलिक कलर से। तो यहाँ पे इसे अच्छी तरह से सारी तरफ से हम अपने बॉक्स को अच्छी तरह से पेंट कर लेंगे और फिर हम इनमें फिक्स करेंगे अपना शीट। तो देखिए इस तरह से हमारा बॉक्स पेंट हो गया है और विद इन 10 to 20 minutes में इसे ड्राई होने दिया है मैंने। तो ड्राई होने के बाद अब यहाँ पे मैंने लिया है ये इस तरह से दो मेरे पास थर्माकोल बॉक्सेस टाइप के थे तो यहाँ पे मैं यूज़ करी हूँ। तो अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो आप कोई भी नॉर्मल बॉक्सेस शेप का जो हो आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर वो भी नहीं है तो फिर आप कार्डबोर्ड कट करके इस तरह का एक शेप बना लीजिए और फिर टिश्यू पेपर उस पर पेस्ट करके इसे पेंट कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे पेंट किया है और फिर एक बैंगल था मेरा जिसे मैंने मिडल में कट करके यहाँ पर फिक्स कर दिया है टॉप पर। तो ये जो है हमारे लैम्प का टॉपर बॉटम बन रहा है। तो ये देखिए टॉप जो हिस्सा है जिसे मैं टॉप पे लगाने वाली हूँ उस पर मैंने बैंगल लगाकर पेंट कर दिया है। अब हम यहाँ पे फिक्स करेंगे अपने लैम्प में अपना OSD शीट। तो उसके लिए यहाँ पे मैं फेबी बॉन्ड यूज़ कर रही हूँ। कोई स्ट्रॉन्ग ग्लू ही हमें चाहिए, फेबी कॉल्स नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं फेबी बॉन्ड यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से जो हमारा जो स्मूथ साइड है उसे हम अप साइड रखने वाले हैं। तो स्मूथ साइड पे हमें फेबी बॉन्ड लगाना है और फिर उसे यहाँ पे इस तरह से पेस्ट कर देना है अपने लैम्प के अंदर। तो इस तरह से हम सारे साइड इसे पेस्ट करेंगे। ध्यान रखिए जब आप फेबी बॉन्ड अप्लाई कर रहे हैं तो जो स्मूथ सरफेस है हमें उसके ऊपर अप्लाई करना है, क्योंकि जो स्मूथ सरफेस है वो हमें अपने लैम्प के आउटसाइड चाहिए और जो आउटलाइन वाला सरफेस है जो इधर हमने पेंट किया था वो हमें इनसाइड चाहिए। तो ये एक अच्छा सा ग्लास वाला इफ़ेक्ट देगा। तो इसी तरह से मैंने सारे साइड पे इसे लगा लिया है। अब आप सोच रहे होंगे मैं इसके थर्ड साइड पर कैसे लगाऊँगी। तो आपको बता दूं मैंने वीडियो के फर्स्ट में बताया था कि इस बॉक्स का जो ओपनिंग है उसे मैंने बैक साइड पे रखा है। तो ये देखिए रहा हमारा ओपनिंग, इसे हम पेंट कर लिया है मैंने। तो इसे हम ओपन कर लेंगे यहाँ से। तो इसे इस तरह यहाँ से ओपन करने के बाद जो हमारा शीट है हम इस पे इसे ईजिली लगा पाएंगे। तो देखिए अब यहाँ पर मैं इस शीट पर फिर से फेबी बॉन्ड लगा कर इसके बॉर्डर्स पे स्मूथ साइड सरफेस जो है उस पर, और फिर देखिए इस तरह से ओपनिंग की साइड से हैंड को अंदर डालकर यहाँ पे मैंने शीट को लगा दिया है और फिर जो बॉक्स है इसे क्लोज़ कर दिया है। तो फिर जब हम इसमें लाइट रखना होगा तो यहाँ पे देखिए पावर बैंक की हेल्प से मैंने इस तरह से इसमें कॉपर लाइट्स रख दिए हैं।
तो यहाँ पे आपको जो भी लाइट रखना होगा तो आप इसे ओपन करके इसमें लाइट रख सकते हैं। तो इसका टॉप और बॉटम को मैंने फिक्स कर दिया है और अब देखिए हमारा लैंप बिल्कुल रेडी हो गया है, कुछ ऐसा लग रहा है। तो होप आपको मेरा ये DIY अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ 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 डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड यस थैंक्स फॉर वॉचिंग।